हेलो दोस्तों, राजवंत सिंह मोहली गोल्ड गुरुकुल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट, भारत दूसरे देशों से पीछे क्यों, या दूसरे नंबर पर भारत गुलाम क्यों रहा, ये क्या कारण रहा कि भारत गुलाम रहा और लोगों से दूसरे देश इतने ज़्यादा विकसित हो गए, हम पीछे रह गए। तो जो कई चीज़ें नोट की हैं, मैं सुनता रहता हूँ, ओशो को सुनता हूँ, ओशो से भी मैंने ये थोड़ा सा जानकारी ली है, और दूसरे जो यूट्यूब चैनल पर अच्छे अच्छे मतलब कोई विद्वान हैं उनकी वीडियोज़ पढ़ी है, उनमें से मैंने ये निकाला है कि जो भारत के पीछे रहने का कारण, सबसे बड़ा कारण उन्होंने जो कहा है, चार वर्णों में हमारे समाज को चार हिस्सों में बांट दिया गया, जिसमें ब्राह्मण आ गए, क्षत्रिय आ गए, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण इस बांटने का क्या फर्क पड़ा, देश की जो इंटेग्रिटी थी, देश की जो अखंडता थी, उसके ऊपर क्या फर्क पड़ा कि देश के लोग आपस में बट गए। ये जो ब्राह्मण थे, क्षत्रिय, वैश्य, इन्होंने, ये जो चौथे नंबर पर है शूद्रा, इनको अपने समाज का हिस्सा ही नहीं कभी माना, जबकि गिनती में ये ज़्यादा है, गिनती में 30-35% के आसपास इनकी गिनती है। जब एक फैमिली में जो 10 बंदों की फैमिली हो, यदि चार बंदे को इग्नोर करना शुरू कर दो तो वहाँ कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी हो जाती है। अब होता क्या था, जब इंडिया पर कोई बाहरले इन्वेडर आए, उन्होंने हमला कर दिया, तो ये जो समाज था ये चुप करके बैठा रहा, इन्होंने इनकी कोई मदद नहीं की। ये वैसे ही पढ़ाई लिखाई में थे और सिर्फ क्षत्रियों को बोलते थे क्षत्रिय लड़ेंगे, तो क्षत्रिय लड़ने के लिए तैयार थे ये वैश्य। फिर भी इतना कुछ होने के बाद भी हिंदुस्तान को बार बार लूटा जाता रहा, बार बार इसकी एक्सप्लॉयटेशन हुई। फर्क क्या पड़ा, ये इस वर्ग को समाज से अलग निकाल दिया, फायदा इनको हो गया, क्योंकि इन्होंने कहा है कि शूद्र जो है इन तीनों वर्णों की सेवा के लिए है, इनको जरूर फायदा हुआ, इसकी लूट हुई, लेकिन देश की अखंडता को जरूर फर्क पड़ा, क्योंकि देश में जो होना था वो नहीं हो पाया। यदि चार भाइयों में एक भाई भी चारों का साथ ना दे तो भी उस परिवार में गड़बड़ हो सकती है। तो इसी तरीके से ये जो चौथा भाई था, इनके साथ इनकी नाराज़गी होगी और इनको काफ़ी ज़्यादा इनका मतलब जो स्टेटस था वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। आज भी बहुत बढ़िया नहीं हम कह सकते, लेकिन कुछ ना कुछ फ़र्क जरूर पड़ा। फिर आगे जो दूसरे नंबर पर, ये इसमें मैं कहता हूँ एजुकेशन जो भारतीय एजुकेशन है अभी, वो हमें किसी तरफ नहीं लेके जा रही, किसी तरक्की की तरफ नहीं लेके जा रही, बल्कि हमें गधे बनाने की कोशिश कर रही है। वी आर नॉट बॉर्न स्टूपिड, हम बचपन से जमांदरू स्टूपिड नहीं है, लेकिन हमारी एजुकेशन बना रही है। कारण क्या है, कारण यह है कि जो हमें चाहिए आज की युग में, आज के समय में जो हमारा समाज है, पदार्थवादी युग में जी रहा है। पदार्थवादी युग का मतलब है पैसा प्रधान, लेकिन यहाँ पैसे की जो एजुकेशन है ये पैसे की तरफ चल ही नहीं रहे, ये तो 90%, 92%, 95% उस तरफ अपने बच्चों को धकेल रहे हैं, मतलब इतना वजन उसके ऊपर लाद लाद के खोते से भी ज़्यादा उसकी पिछन खराब कर दी बच्चों की उन्होंने। जहाँ पैसा कमाने की बात है वहाँ नहीं, इन आज के समाज का आदर्श पैसा कमाने वाला बंदा नहीं है, बल्कि जो 92-95% ले रहा वो, यदि इनका आदर्श ये होते तो बिल गेट्स इनके होते आदर्श होते, हेनरी फोर्ड इनका आदर्श हो सकता था, जो एंड्रयू कार्नेगी जो वर्ल्ड का सबसे अमीर आदमी था 1902 में, ये ऐसे आदमी इनके जो आदर्श हो सकते थे, लेकिन इनके आदर्श वो नहीं है। इनके आदर्श कौन है, जो 92% लेगा, जो 92% दिलाएगा, जो स्कूल 92% दिलाएगा, 95% दिलाएगा, उस स्कूलों में हमारे बच्चे पढ़ते हैं। हमारे बच्चे उस स्कूल में नहीं पढ़ते जहाँ एजुकेशन है, हमारे बच्चे उस स्कूल में पढ़ते हैं जहाँ हमें स्टेटस मिलता है एज ए पेरेंट्स, हमारी ईगो सेटिस्फाई होती है। यदि हमारी ईगो का ही सवाल है तो बच्चों से रियल एजुकेशन की जो अपेक्षा मत करें, उससे एक्सपेक्टेशन ना करें कि आपके बच्चों को रियल एजुकेशन मिलेगी। एजुकेशन फिर हाइपोक्रेसी, पखंडवाद इतना ज़्यादा है, चाहे किसी तरीके से लगा लो,
मतलब लोग मत्था टेकने के लिए तत्पर रहते हैं 24 घंटे। मैंने ये देखा कोई धार्मिक फंक्शन होना होता है, हजारों के हजार लोग रातों रात वहाँ पहुँच जाते हैं। जब कभी कोई एजुकेशन का सेमिनार होता है या कोई बंदा आपको समझाने के लिए आ रहा है, पढ़ाने के लिए, 10 बंदे इकट्ठे नहीं होते। तो हम दिशाहीन हैं, दिशाहीन हो गए। पखंडवाद इतना ज़्यादा हमारे अंदर भर गया है कि हम कुछ भी, किसी को भी, सामने वाले के ऊपर हम विश्वास कर लेते हैं, आंखें बंद करके विश्वास कर लेते हैं, चाहे वो हमें आगे ले जाके कुएं में फेंक दे, कुएं में गिरा सकता है। तो इन बातों का अगला जो करेक्टर असैसिनेशन मैंने लिखा है, करेक्टर असैसिनेशन का मतलब जब हम बचपन में, जब मैं अब 60 साल का हूँ, जब मैं पढ़ता था तो हमें शिवाजी मराठा की कहानी सुनाई जाती थी, अपने महाराणा प्रताप की कहानी सुनाई जाती थी, और किसी की कहानी सुनाई जाती थी, ईमानदारे लकड़हारे की कहानी सुनाई जाती थी, जिसको सोने की जो कुल्हाड़ी मिलती है उसको भी मना कर देता कि मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। लेकिन आज हमारे जर जर में बेईमानी आ चुकी है, हमारे अंदर जर जर में बेईमानी आ चुकी है। यदि हमारे अंदर जर जर में बेईमानी होगी तो हम पीछे नहीं जाएंगे, तो और क्या जाएंगे। एक IAS के घर से 12 किलो सोना मिला है, 3 किलो चांदी मिली है, पता नहीं कितने करोड़ों की मतलब उनके जायदाद मिली है। यार हमें शर्म नहीं आनी चाहिए, यदि हमें शर्म नहीं आती तो मैं कहता हूँ हमारा कुछ नहीं हो सकता। आज भी संभलने का टाइम है, संभल जाओ पंजाब, हिंदुस्तानियों, भारतवासियों, संभल जाओ, नहीं तो आपका बहुत बुरा हाल होने वाला है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ जल्दी नए वीडियो में मिलूँगा। आपका कोई सवाल हो कमेंट बॉक्स में, आप कोई नए टॉपिक और वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट बॉक्स में, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा दो ताकि इस तरीके की वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। सीखते जाएं, पढ़ते जाएं, अपनी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें उतारते जाएं। यदि ये चीज़ें आप उतारने में कामयाब हो जाएंगे, सीखने में कामयाब हो जाएंगे, पढ़ने में कामयाब हो जाएंगे, तो हम डेफिनेटली आगे बढ़ने में कामयाब हो जाएंगे। आपका दोस्त, आपका होस्ट राजवंत सिंह वाली।